करा दे रहे हैं आपको। लेकिन विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, जनता के बीच में अगर वो कार्य किए होते जिस तरीके से मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को राशन दिया, जिस तरीके से गरीबों को आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था कराया, गरीबों को निःशुल्क इलाज की व्यवस्था कराने का काम किया और बिजली बिल की माफ़ी करने की जो माननीय प्रधानमंत्री ने बात कहा, यह बात तो जनता के बीच में हम कर रहे हैं। नाली, खड़ंजा, पुल, पुलिया, आवास, पेंशन, शौचालय, समाज की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी, सड़क, हम इसकी बात कर रहे हैं। वो किसकी बात कर रहे हैं? क्योंकि देश की जनता ने 140 करोड़ को हमने परिवार माना। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने 140 करोड़ को अपना परिवार मान करके सबको सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास का काम कर रहे हैं। डिंपल यादव तो कह रही हैं कि केवल जनता को धोखा दिया जा रहा है, ये लोग ठग रहे हैं। देखिए, जिन लोगों ने 20 साल तक उत्तर प्रदेश की जनता को गुंडागर्दी दिया, लोगों के टोपी लगा करके, झंडा लेकर के लोगों की जमीन कब्जा करने का काम किया, थाने में बैठ करके जिन लोगों ने गुंडागर्दी करके लोगों को सताने का काम किया, अब उनको वही चीज़ याद आ रही है। सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के गठबंधन की सरकार में, आदरणीय मोदी जी और योगी जी की सरकार में बताते ये भी दंगा हुआ हो, लेकिन आदरणीय डिंपल यादव जी की सरकार में पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक कोई ऐसा महीना नहीं होता था, कोई ऐसा साल नहीं होता था जिस समय दंगा और बम ब्लास्ट और आतंकवादी हमला ना होता हो। यह लोग तो आतंकवादियों का मुकदमा वापस करने का काम करते थे। हमारी सरकार आतंकवादियों को समाप्त करने का काम कर रही है। हमारी सरकार गुंडागर्दी करने वालों को जेल की सलाखों में या तो राम नाम सत्य करा रही है। तो पूरे देश में जो सुरक्षा का वातावरण चल रहा है, जनता का विश्वास लग रहा है कि हम सुरक्षित हैं। पहले यहाँ की बहन बेटियाँ, इनके साथ अत्याचार हो जाता था, कोई मुकदमा तक नहीं लिखता था। आज हमारी सरकार में किसी भी बहन बेटी के साथ कोई अत्याचार करता है, कोई गलत व्यवहार करता है, तो उसके साथ कठोर कार्रवाई होती है और वह जेल की सलाखों में जाता है। जिस तरीके से आदरणीय डिंपल यादव जी कह रही हैं, मुझे लगता है कि जहाँ वो भाषण दे रही थी वहाँ उन्हीं के लोग भाषण सुनने के लिए आए थे जो गाड़ी में बैठ के आए थे। जनता उनके कुर्सी बैठने को तैयार नहीं। मैंने देखा कि सैकड़ों की संख्या में कुर्सियां खाली थी। इसका मतलब ये साफ हो गया है कि उनका हार का जो डर है वो उजागर हो गया है। हमें लगता है कि 1 तारीख के बाद और 4 तारीख को ईवीएम पर होना शुरू कर देंगे कि ईवीएम हमारा साथ नहीं दिया इसलिए हम चुनाव हार गए। तो हार के डर से ये बौखलाए हुए लोग हैं। यहाँ घोसी लोकसभा क्षेत्र की जनता डॉक्टर अरविंद राजभर को पूरे मनोयोग से उत्साहित होकर के जिताने का काम करते हैं। अखिलेश यादव भी आ रहे हैं। देखिए, आना जाना उनका लगा रहेगा। जब इनको सरकार में मौका मिला था 20 साल तो पूर्वांचल के लोगों को और घोसी लोकसभा क्षेत्र की जनता को अंधेरे में खड़ा किया था। अच्छा, यहाँ 3 घंटा बिजली मिलती थी यहाँ के लोगों को, ट्रांसफार्मर जल जाते थे तो 6-6 महीना बदलता था, बदल नहीं पाता था, लेकिन हमारी सरकार में 48 घंटे में ट्रांसफार्मर बदल रहे हैं, 12 घंटा, 14 घंटा, 18 घंटा बिजली दे रहे हैं। हम पूर्वांचल के लोगों को 3 घंटा में लखनऊ सफ़र करा रहे हैं, उन लोगों ने 8 घंटा, 9 घंटा में सफ़र कराया। आज हमारी सरकार में पूर्वांचल से जुड़े हुए जितने 4 लेन थे सीधे गाँव से कनेक्ट हो रहे हैं। आने वाले समय आप देखिएगा चमचमाती हुई सड़क इसी घोसी लोकसभा में मिलेगा। घोसी लोकसभा चुनाव को लेकर कल अंतिम दिन है प्रचार प्रसार का, क्या कुछ तैयारियां हैं कल? देखिए, जनता इंतजार कर रही है, जनता यहाँ चुनाव लड़ रही है। जनता माननीय प्रधानमंत्री की नीतियों के साथ, उनके विजन के साथ, जो भारत को विकसित भारत बनाने का जो संकल्प है, उसी संकल्प को हर एक मतदाता दोहराते हुए अपने विकास के लिए, क्षेत्र की जनता के डेवलपमेंट के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, चाहे उनकी जो भी समस्याएं हों उन समस्याओं का समाधान कर लिए। जनता ने फैसला कर लिया है कि आने वाले 1 तारीख को हम डॉक्टर अरविंद राजभर को छड़ी पर बटन दबा करके मोदी जी को 400 पार के जो नारा है उसको साकार करेंगे। विरोधियों को यहाँ 0 पर समेट करके इनको अंडा थमा करके वापस वही, और कुछ लोग चले जाएंगे सिंगापुर, दुबई, जो घूमने वाले हैं, जो सैर करने आए थे वो सैर करके चले जाएंगे, क्योंकि 2 लड़कों की जोड़ी 2017 में भी आई थी वो फ्लाप रही है, ये सुपर फ्लाप हो जाएगी, क्योंकि इन लोगों के गर्मी में पसीना तो छोड़ दीजिए, गश्ती आने लगा है मोदी जी की लहर देख करके, मोदी जी की सुनामी देख करके इन लोगों को चक्कर आने लगा है। मुझे लोकसभाओं में से अगर सबसे खराब अगर स्थिति किसी लोकसभा की रही होगी तो 80वें नंबर पर घोसी की रही होगी सबसे खराब स्थिति, और इस दंश को अपना यहाँ की जनता ने झेला है। और इस बार ऐसे प्रत्याशी को और सरकार के साथ रहना चाह रही है कि जिससे बड़ी बड़ी योजनाएं अपने क्षेत्र में आए, जैसे 1.5 साल के अंदर ही आजमगढ़ ने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट ला के अपने क्षेत्र को विकसित किया, उसी तरह यहाँ घोसी की भी जनता चाहती है मोदी जी के साथ जुड़ के बड़े प्रोजेक्ट ले आके और अपने क्षेत्र को विकसित कर। ठाकुर और क्षत्रिय जो है वो काफ़ी खुफा है ऐसा माना जा रहा है, क्या कहना है? ऐसा कुछ नहीं है, बाकी जब महाराज जी का आशीर्वाद है तो बाकी लोगों के महाराज खुश।